औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कुरलुश उस्मान का सीज़न 2 जारी है, जो कि इस वक्त पूरे अरूज पर जा रहा है। कुरलुश उस्मान के मद्दाह भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। हर आने वाली नई किस्त सस्पेंस और इमोशन से भरी होती है। ये सब हमें पहले सीज़न में देखने को नहीं मिला। जहां हमें कुरलुश उस्मान के पहले सीज़न में काफ़ी गलतियां नज़र आईं, वहां सीज़न 2 में हमें इन गलतियों का अजाला भी देखने को मिला। पहले सीज़न में जो बड़ी तारीखी गलतियां हुईं, उनमें कुनूर अलब की शहादत, सामसा चावश की गैर मौजूदगी और गाजी अब्दुलरहमान का बाजू काटना शामिल हैं। लेकिन यहाँ दो ऐसी गलतियाँ थीं जिन्हें देखने वालों ने नोट नहीं किया। इनमें से एक तो आलिशार को गद्दार दिखाना और दूसरी दुंदार के सिपाही सलतोक अल्प को भी गद्दार दिखाना शामिल है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कुरलुश उस्मान में दिखाया जाने वाला किरदार सलतोक अल्प क्या वाकई तारीखी किरदार है या फर्जी। तारीख में सलतोक अल्प की कितनी अहमियत है और सल्तनत के क्याम में कितनी जद्दोजहद है। सलतोक का दुंदार के साथ क्या ताल्लुक था। कुरलुश उस्मान में सलतोक अल्प का किरदार कौन से अदाकार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा भी मजीद दिलचस्प मालूम आप तक पहुँचाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो के आखिर में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सलतोक अल्प एक फर्जी किरदार नहीं, बल्कि एक तारीखी और हकीकी किरदार है, जो कि उस्मान गाजी के दौर में जिंदा था। तारीखी तौर पर सलतोक की तारीख पैदाइश और जाए पैदाइश नामालूम है। ऐसा मालूम होता है कि उनकी पैदाइश 1260 के इर्द गिर्द हुई थी और वो काई कबीले का एक हिस्सा थे। सलतोक अल्प शुरू से ही उस्मान गाजी की फौज का हिस्सा थे और दुंदार बे के काफ़ी करीब थे। सलतोक अल्प ने उस्मान गाजी के साथ मिलकर कई जंगें लड़ी और सल्तनत उस्मानिया के क्याम में अपना हिस्सा शामिल किया। उन्होंने कई मौक़ों पर उस्मान के अहम सिपाही होने का सबूत भी पेश किया। दोस्तों, सलतोक अल्प सारी ज़िंदगी उस्मान गाजी के वफादार रहे। उनके वफादार होने की सबसे बड़ी दलील उनकी सगोद में अरतुगरुल गाजी के पहलू में कब्र मौजूद है। सलतोक अल्प ने हमेशा खुद पर अपने मकसद और अपने सरदार के हुक्म को फुकियत दी। लेकिन दोस्तों, जब कुरलुश उस्मान का पहला सीज़न आया, तब इस किरदार को भी दुंदार के साथ मनफी रूप दिया गया। असल तारीख में दुंदार बेबी गद्दार नहीं थे, सिर्फ सरदारी के मामलात पर उस्मान से इख्तलाफ रखते थे। वो हमेशा अमन से रहना पसंद करते थे, लेकिन उनमें लीडर की खसूसियात की कमी थी, जिस वजह से उस्मान गाजी के साथ उनका तनाज़ा रहता था। और वैसे भी वो कबीले में सीनियर होने की वजह से खुद को सरदारी का ज़्यादा हकदार समझते थे। लेकिन कुरलुश उस्मान में इस किरदार को काफ़ी मनफी पेश किया गया है। सलतोक अल्प चौंके दुंदार बे के काफ़ी करीबी सिपाही थे, इसी वजह से पहले सीज़न में सलतोक अल्प को भी गद्दार ही दिखाया गया। दोस्तों, पहला सीज़न तो था ही गलतियों से भरपूर, तो आवाम ने इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन जब दूसरा सीज़न आया, तो यहाँ ये अच्छी बात देखने को मिली कि सलतोक अल्प का किरदार पॉजिटिव कर दिया गया। शुरू शुरू में हमें लगा कि सलतोक अब दोबारा गद्दारी करता दिखाई देगा, लेकिन दूसरे सीज़न में ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखाया गया, बल्कि कुछ अहम मामलात में उन्होंने उस्मान बे की मदद की और दुंदार के बारे में अहम मालूमात उस्मान को दी। फिर यहां से इस किरदार का असल रूप दिखाया गया और अब वो उस्मान गाजी के साथ मिलकर मुख्तलिफ जंगी मार्कों में हिस्सा लेते हैं और इस्लाम के फलक शगाफ नारे लगाकर मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद और नीयत होती है कि कोशिश हमारी और फतह हक की है। दोस्तों, सलतोक अल्प की उस्मानी तारीख में इतनी अहमियत है कि उन्हें उस्मान गाजी के खास सिपाहियों में शामिल किया जाता है, यानी कुनूर अल्प, बुरान अल्प, अक्चा कोजा और कोसे मिहाल के बाद सलतोक अल्प का ही नाम आता है। इतनी ज़्यादा तारीखी अहमियत के बावजूद उन्हें कुरलुश उस्मान सीज़न 1 में गद्दार दिखाया गया। लेकिन कुरलुश उस्मान की टीम जल्द ही समझ गई और उन्होंने इस किरदार को पॉजिटिव करके नादरीन के सामने पेश किया। दोस्तों, अगर बात करें सलतोक अल्प की कब्र के बारे में, तो उनकी कब्र तुर्की के मशहूर शहर सगोत में अरतुगरुल गाजी के मकबरे के बाहर दुंदार बे की कब्र के साथ मौजूद है। अल्लाह करीम ऐसे बहादुर मुजाहिदीन की मगफरत फरमाए और उनके दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। इसमें कोई शक नहीं कि सलतोक अल्प एक ऐसा किरदार था जिसने उम्मत मुसलमा के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दीं, बेशुमार काफरों को वासिले जहन्नम किया और गाजी का खताब पाया।
वो उस्मान गाजी के बेहतरीन सिपाहियों में शामिल हुआ करते थे और ज्यादा से ज्यादा काफरों को वासले जहन्नम किया करते थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि सलतोक अल्प का किरदार कुरलश उस्मान में किस अदाकार ने अदा किया। कुरलश उस्मान में सलतोक अल्प का किरदार अदा करने वाले अदाकार का नाम उमर अगान है। उमर अगान 8 अक्टूबर 1986 को तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल में पैदा हुए। उमर ने अपनी इब्तदाई और सानवी तालीम एपोगलो कॉलेज से हासिल की। फिर 2010 में उन्होंने मल्टीपल यूनिवर्सिटी के शोभा रेडियो टेलीविजन से ग्रेजुएशन किया। उमर अगान ने टेलीविजन में अपने किरदार का आगाज ब्यास टीवी में असिस्टेंट जनरल कोऑर्डिनेटर की हैसियत से किया। उमर अगान तुर्की में लिबास डिजाइन करने वाली कंपनी डोमेनीफोर्ड के बानी और मौजूदा सीईओ भी हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे तमाम दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ साथ ड्रामा सीरियल कुरलश उस्मान, दिरलिश अर्तुगरुल और दि ग्रेट सलजोक के तमाम किरदारों की हकीकत पर मबनी तारीख असल हकायक के साथ जानिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि सलजोक सल्तनत के दूसरे हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद अल्प अरसलान कौन थे और मिलाजगत 1071 की कहानी क्या थी, तो ये सब जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।